जहाँ 10 रुपए का रेट है ना जी रिक्शे का, वो 50-50 रुपए 100-100 रुपए मांगते हैं। जा रहे हैं ना इस पार से इधर आ रहे हैं, उधर से कोई बच्चों की परेशानी हो जा रही है और सब परेशानी हो जा रही, कुछ भी नहीं हो रहा है। उधर से घर में ना जाने देते हैं, फिर उधर से आने नहीं देते, तो सब चीज परेशानी है। सारा कारोबार बंद है, कहीं से सामान नहीं आ रहा है, कहीं जा नहीं रहे हैं, बीच बीच में इधर का भी रास्ता बंद, उधर का भी रास्ता बंद। वर्कशॉप है वहाँ, हम लोग 2 महीना हो गया वहाँ पहुँचे नहीं, चारों तरफ का रास्ता बंद है। जो आम जो घरेलू जो चीज़ें हैं बाजार से जो आती हैं रसोई वगैरह की भी, उसके लिए भी वो कई बार नहीं जाने देते हैं, बड़ी परेशानियां आती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदीप टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शायन परवीन। लगातार 3 महीने होने वाले हैं किसानों के धरना प्रदर्शन को, और किसान जो है वो बॉर्डर पर डटे हुए अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए बॉर्डर पर जमे हुए हैं, 3 नए कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। लेकिन उसी को लेकर जो आसपास का स्थानीय क्षेत्र है वो काफ़ी इससे प्रभावित हो रहा है, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम जयपाल सिंह है जी। लगातार जो है 3 महीने होने वाले हैं किसानों के धरना प्रदर्शन को, और इसको लेकर क्या क्या परेशानियां आ रही है इस पर बताएं। इसको लेकर तो जी बहुत ज़्यादा परेशानियां है। एक आम जो पब्लिक है, हम यहाँ से बाज़ार जाते हैं, अब हमारा घर वहाँ इससे जो चौराया है 1 फरलांग पे, लेकिन वो रोक देते हैं और कई किलोमीटर चक्कर काट के आना पड़ता है, और कई बार जाने भी नहीं देते हैं, वो पैदल भी मना कर देते हैं, और ज़्यादा कहते हैं तो वो कहते हैं कि डंडा मारेंगे। ये खुद मेरे साथ हुआ है परसों यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा परेशानी। साथ में बाज़ार में से कोई चीज़ लानी पड़ती है तो वहाँ नहीं जा पाते हैं, रिक्शे में बैठ के आते हैं तो वो भी डबल खर्चा होता है, वहाँ से वहाँ दे के आओ, फिर वहाँ पे तो फिर वो आगे नहीं आने देते, फिर भी पैदल चलना पड़ता है। जो आम जो घरेलू जो चीज़ें हैं बाज़ार से जो आती हैं रसोई वगैरह की भी, उसके लिए भी वो कई बार नहीं जाने देते हैं, बड़ी परेशानियाँ आती हैं। जहाँ वो 10 रुपये का रेट है ना जी रिक्शे का, वो 50-50 रुपये 100-100 रुपये मांगते हैं, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं जी। तो लोगों का कहना है कि उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जो रिक्शा 10 रुपये लेता है वो 500-100 रुपये ले रहा है, और इसको लेकर क्योंकि उनको बेसिक जो नीड है, जो अपनी सब्जी चाहिए, तेल चाहिए, ये सब तो उनको लेना ही पड़ेगा, लेकिन क्या है कि रास्ता बंद कर दिया जाता है, इसको लेकर इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम रमेश चंद है, मैं नरेली में रहता हूँ जी, यहीं पर जी। जब जब ड्यूटी पर जाते हैं तो ये लोग जो बैठे हैं सिक्योरिटी वाले, ये बंद कर देते हैं, कभी किसी भी टाइम बंद कर देते हैं, ना शाम को आने देना, सुबह जाते हैं, सुबह ड्यूटी पे जाते हैं तब भी मना करते हैं ये हमारे, वो कम से कम 10 किलोमीटर अंदर से घूम कर गांव से जब जाना पड़ता है। कोई आईडेंटिटी बोलते हैं कि दिखाओ, मैं अपनी सर्विस का आई कार्ड दिखाता हूँ, उसको भी नहीं मानते, अपने घर का प्रूफ देता हूँ उसको भी नहीं मानते, कहते हैं हमने बंद कर दिया, ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं, तो हम फिर 10 किलोमीटर घूम के आते हैं बाहर अंडर DDAC ये, और वैसे बदतमीजी भी करते हैं पुलिस वाले जी। तो ये कह रहे हैं कि इनके साथ बदतमीजी भी करते हैं, जो यहाँ पर अगर आपने देखा होगा कि आते हुए यहाँ पर इन्होंने पूरा बैरिगेट कर रखा है, किसी भी आम पब्लिक को जो आसपास के लोग हैं वो नहीं आते, कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि इस बॉर्डर पर कुछ हो रहा है तो ये लोग रास्ता बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से इनको 10 किलोमीटर दूर घूमना पड़ता है। सर अपना नाम बताइए। पारसनाथ तिवारी। क्या परेशानियां हो रही है? कभी कभी क्या होता है, सरकार जो है अचानक से बोल देती है कि इंटरनेट बंद कर दिया है इस एरिए का, तो इस पर भी काफ़ी परेशानियां आती है, तो इस पर बताइए। सारा कारोबार बंद है, कहीं से सामान नहीं आ रहा है, कहीं जा नहीं रहे हैं, बीच बीच में इधर का भी रास्ता बंद, उधर का भी रास्ता बंद। वर्कशॉप है वहाँ, हम लोग 2 महीना हो गया वहाँ पहुँचे नहीं, चारों तरफ का रास्ता बंद है, खाली पैदल भी कभी कभी रोक देते हैं, आने नहीं देते हैं, कोई मार्केट करना है, कोई सामान घर के लिए खाने पीने के ले आना है, वो भी टाइम से नहीं आ सकता है। अगर मैं बात करूं बॉर्डर पर भी जो है वहां से अगर कुछ लोग हरियाणा भी जाते हैं काम पर जाने के लिए, तो फिर वहां पे भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हमारा वर्कशॉप हरियाणा में है, सुपौली में, वहाँ लेबर भी नहीं जा पाती है, हम भी नहीं जा पाते हैं, कोई माल मटेरियल बाहर से मंगाना है, दिल्ली से मंगाना है, कुछ भी नहीं आ रहा है, 3 महीने से सारा काम बंद है, खाने के भी लाला हो गए हैं हम लोग, लेबर मजदूर हम, वो भी मुश्किल है। ऐसा भी होता है कि जब हम काम पे अगर लेट से पहुंचते हैं तो हमारी जो सैलरी है वो कट जाती है, तो क्या कभी ऐसी कटती है? समय से नहीं पहुंचेंगे तो आपिस कर देते हैं, आपिस आ जाते हैं हम,
और पहुंच नहीं पाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अपना नाम बताइए। किस्मती गुप्ता। क्या परेशानियाँ हो रही है? लगभग 3 महीना हो गया है और ऐसा चलता है कि कभी भी रास्ता बंद कर दिया जाता है, कभी भी इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। जा रहे हैं ना, इस पार से इधर आ रहे हैं, उधर से कोई बच्चों की परेशानी हो जा रही है और सब परेशानी हो जा रही, कुछ भी नहीं हो रहा है। उधर से घर में ना जाने देते हैं, फिर उधर से आने नहीं देते, तो सब चीज़ परेशानी है जी। हाँ, अगर कभी सब्जी वब्जी लाने जाना हो तो, हाँ। तो फिर आप कैसे जाती हैं? कैसे जाते हैं, कैसे कैसे इधर आता है तो बिकने तो ले लेते हैं, बाजार में मार्केट में कोई जाता ही नहीं है। जाने नहीं देते, तो सर्विस में जाते हैं तो सर्विस का आई कार्ड भी दिखाते हैं तो भी नहीं जाने देते, कहते हैं हमारे पास ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है जी ये, और हमारी तो सैलरी भी नहीं मिल रही। मैं दिल्ली नगर निगम में काम करता हूँ, 6 महीने हो चुके, कोई सैलरी दे नहीं रही किसी भी प्रकार से। लेट जाते हैं तो वहाँ पे क्रॉस हो जाता है, फिर वापस आते हैं तो फिर ये रोक लेते, फिर अंदर से घूम कर आना पड़ता किसी गाँव के अंदर से। बड़ी परेशानी हो रही है इनसे, इधर बॉर्डर पे चले जाओ, बॉर्डर भी जाम है, इस तरफ चले जाओ, बीच में तो हम आ गए ना, हमारी तो बहुत बड़ी मुश्किल हो रही है ना, सब्जी लेने जाना था जा सकते ना, और कुछ काम अपने घर में बंद होते जी। कुंडली में इनकी डिप्टी है, काम करते हैं कुंडली में जा नहीं रहे, इनका डिप्टी बंद हुआ है, बगल में पड़ोसी हैं ये। तो अगर मैं बात करूँ तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इतनी परेशानियाँ हो रही है आप लोगों को, क्योंकि घूम कर जाना पड़ता है, तो इस पर मैं तो यही कह सकता हूँ, सरकार से अपनी प्रार्थना है हमारी गांव वालों के बीच का समाधान कुछ निकाले, ताकि हमारे को कुछ सुविधाएं मिले। सुबह पे हम सुबह ड्यूटी पे चले जाए, शाम को वापस अपने घर आ जाए टाइम से, और इनका कुछ समाधान करे जी, किसी न किसी पब्लिक को क्यों परेशान किया जा रहा है। तो जो लोग हैं, जब हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना है कि 3 महीने से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन इससे हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हमें काम पे जाना होता है, या जो औरतें हैं उनको अगर सब्जी वगैरह लेने जाना, उन्होंने काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, जिस वजह से उनको काफ़ी परेशानियाँ आती हैं। और मैं बात करूँ यहाँ पर जो बैरिगेड करके जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने पूरा रास्ता रोक दिया है, जिस वजह से उनको अंदर नहीं आने दिया जाता है, जिस वजह से वो कई किलोमीटर दूर चलकर अपने घर आते हैं। कैमरा पर्सन लोकेश ठाकुर के साथ मैं सामा परवीन, नवदीप टुडे न्यूज़।